प्रिय भक्तों, आज हम आप सबको अक्षय तृतीया की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। अक्षय तृतीया मनाने से क्या फल मिलता है, उसके बारे में आज हम सब जानेंगे। संतजनों, आज हम आप सबको एक पावन कथा भगवान परशुराम के प्राकट्य की दुर्लभ कथा सुनाने जा रहे हैं। बहुत ही सिद्ध ऋचिक मुनि व उनकी पत्नी सत्यवती से ऋषि जमदग्नि का जन्म हुआ। ऋषि जमदग्नि का देवी रेणुका से ब्याह हुआ और देवी रेणुका से अक्षय तृतीया के शुभ बेला में श्री विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ। श्री हरि विष्णु जी के अवतार भगवान परशुराम में अति विलक्षण गुण थे। वह ब्राह्मण होने के साथ साथ उनमें क्षत्रिय के सारे गुण थे। उनके ललाट पर अनोखा तेज था। एक समय भगवान परशुराम वन को गए हुए थे। तब राजा कार्ती वीर्यवन अर्जुन ऋषि जमदग्नि की कुटिया पर आए। फिर क्या हुआ आगे सुनिए। एक समय
जमदग्नि ने राजा का खूब सत्कार किया, पर राजा को ऋषि जमदग्नि की कामधेनु गैया को देखकर लालच हो गया और बलपूर्वक गैया को छीन कर ले गए। जमदग्नि ने राजा कार्तिवीर्यवान अर्जुन को बहुत समझाया, पर राजा नहीं माने। ऋषि जमदग्नि ने कहा, ब्राह्मण के धन को लूटकर आप कभी सुख नहीं पाओगे। परशुराम जी आए और अपने पिता का उदास मुख देखकर पूछा तो सारा हाल ऋषि जमदग्नि ने बताया, तो परशुराम जी को अत्यंत क्रोध आया और हाथ में पर्सा लेकर निकल पड़े। परशुराम जी ने राजा को मृत्यु दंड देकर अपनी कामधेनु गैया को लेकर वापस अपनी कुटिया पर आए और अपने पिता से कहा, हे पिताजी, मैंने उस अन्यायी राजा को मार डाला। यह सुनकर ऋषि जमदग्नि को क्रोध आया और परशुराम जी को तपस्या करने भेज दिया। अपने मन को
शांत परशुराम जी तप करने गए हुए थे, उधर राजा के पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। दूसरे दिन परशुराम जी तप करके वापस अपनी कुटिया पर आए तो देखा उनके पिता की हत्या राजा के बेटों ने कर दिया है। उसी समय वह बदले की आग में चलते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि संसार में जितने भी अत्याचारी क्षत्रिय हैं उनका वह संहार करेंगे। भगवान परशु ने 17 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। भगवान परशुराम जी को न्याय का देवता भी कहा जाता है। के दिन कौन कौन से शुभ कार्य हुए हैं यह बतलाते हैं। अक्षय तृतीया दिन शुभ कार्य का निर्माण अक्षय तृतीया को ही प्रारंभ किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वस्त्र दान देकर उनकी लाज बचाई थी। श्री
वेद व्यास जी ने अक्षय तृतीया को महाभारत लिखना प्रारंभ किया था और देवी इंद्राणी ने भी अक्षय तृतीया का व्रत करके जयंत नामक पुत्र को प्राप्त किया था। संतजनों, अब हम अक्षय तृतीया व्रत की विधि बतलाने जा रहे हैं। चित्र को आदर पूर्वक आसन पर बैठाकर विधिवत पूजन करें, नैवेद्य अर्पित करें, मंगल आरती गाएं, अक्षय तृतीया के दिन गौ माता को प्रसाद खिलाएं। अक्षय तृतीया के व्रत के प्रताप से आपको कभी क्षीण नहीं होगा, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। का व्रत अत्यंत सरल और सहज है, इसे स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी कर सकते हैं। यह व्रत उत्तम फलदायक है। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी कार्य का शुभारंभ करे वह अवश्य ही सफल होता है। धन वैभव सुख संपदा सब कुछ मिलता है, ईश्वर के चरणों में ध्यान लगा रहता है और परमानंद की प्राप्ति होती है।
धर्म की हो गई जय जयकार जब विष्णु जी पधारे। धर्म की हो गई जय जयकार जब विष्णु जी पधारे। खत्म हुआ है अत्याचार, खत्म हुआ है अत्याचार। धर्म की हो गई जय जयकार जब विष्णु जी पधारे। धरती पर जब विष्णु पधारे पृथ्वी पर फैले उजियारे। हाँ, धरती पे जब विष्णु पधारे पृथ्वी पर फैले उजियारे। दूर हुआ अंधकार जब विष्णु जी पधारे। खत्म हुआ है अत्याचार, खत्म हुआ है अत्याचार। धर्म की हो गई जय जयकार जब विष्णु जी पधारे। रूप वराह का जब है धारा हिरण्याक्ष को हरि ने मारा। रूप वराह का जब है धारा हिरण्याक्ष को हरि ने मारा। असुरों का किया संहार जब विष्णु जी पधारे। असुरों का किया संहार जब विष्णु खत्म हुआ है अत्याचार, खत्म हुआ है अत्याचार। धर्म की हो गई जय जयकार जब विष्णु जी पधारे। भक्त प्रहलाद की जान बचाई हिरण्यकश्यप से की लड़ाई। भक्त प्रहलाद की जान बचाई हिरण्यकश्यप से की लड़ाई। सुखी हुआ है संसार जब विष्णु जी पधारे। सुखी हुआ है संसार जब विष्णु। खत्म हुआ है अत्याचार, खत्म हुआ है अत्याचार। धर्म की हो गई जय जयकार जब विष्णु जी पधारे। धर्म की हो गई जय जयकार जब विष्णु।